दिल्ली में ना, मतलब कि दिल्ली नहीं, दिल्ली नहीं, मेरठ, हाँ सॉरी, मेरठ में ना मोदी मिलती, शुगर मिल जैसे कहते थे, तो मेरठ साइड ना, हापुड़ मेरठ साइड ना मोदी मिलती, तो मोदी की जो जो मोदी मिल थी ना, वो पहले ना ऐसी चलती थी, मतलब कि पहले ना उसने एक, मैं बस स्टार्टिंग से बताता हूँ, मोदी मिल में ना बेसिकली ऐसा था, वहाँ पे चीनी बनती थी, सबको पता है, पहले चीनी बनती थी मोदी मिल में, तो वहाँ पे सीन पता है क्या होता था, वहाँ पे जब सीन ये होता था कि मोदी मिल, जब मोदी की जब मिल थी ना, वो ऐसी चलती थी नॉर्मल, मतलब कि ज्यादा खास नहीं चलती थी, बहुत ही नॉर्मल चलती थी, कि आया ऑर्डर आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, माल बन रहा है, माल बने बने सड़ रहा है, तो उसकी ना बहुत ही उसका डाउनफॉल था वहां पे उस टाइम पे। एक दिन क्या हुआ, मोदी बड़ा परेशान, मोदी मिल का जो मालिक था, शुगर मिल का जो मालिक था मोदी, वो बड़ा परेशान कि भाई मेरी तो वो ही नहीं हो रही है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत बहुत अटूट मेहनत कर रहा था, वो अटूट मेहनत कर रहा था, तो लेकिन उसको फल नहीं मिल रहा था। एक दिन ना मोदी रात को सोया और उसके सपने में ना पीर आए, पीर मतलब कि जो उसकी, पता उसको पता नहीं था कि उसकी मोदी में, उसकी उसकी मिल के अंदर ना एक पिशाच रहता है, उसकी उसकी मिल में एक पिशाच रहता है, तो वो सपने में आया, उसने बोला कि तू ना मेरी जो, उसने अपनी जगह बताई कि मेरी यहाँ पे एक जगह है, मेरी यहाँ पे जगह है, तो ये जगह मेरी साफ सफाई करा और मेरा यहाँ पे एक आराम से ना मेरी एक अच्छा सा कमरा बना दे मेरे लिए, तो मैं तेरे सारा बेड़ा पार कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा था, मोदी मिल ना 24 घंटे चलती थी, ठीक है, पहले मोदी बिल पूरा 24/7 चलती रहती थी। तो उसने ना, उसने बोला कि तू अपने जो तू 24 घंटे अपना काम करा रहा है, तू इतना मेहनत कर रहा है लेकिन तेरे को फल नहीं मिल रहा ना, तू ऐसा कर, अपने वर्करों की ना 7:30-8 बजे सबकी छुट्टी कर दे, तू भी घर चला जा, पूरी मिल बंद कर दे, मिल मेरे पे छोड़ दे, लेकिन तू मेरी सेवा कर। तो मोदी ने वो जगह ढूंढी और उसकी उसकी सेवा शुरू कर दी, उसके लिए कमरा बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो फिर क्या हुआ, तो वो क्या करता था पिशाच, जब मिल बंद हो जाती थी ना, तो रात को मिल अपने आप चल पड़ती थी, अपने आप बिना वर्करों के। तो क्या करता, जब सुबह आके मोदी, मतलब कि फिर एक दिन जब उसने सेवा करनी शुरू करी और रात को मिल अपने आप चलने लगी, तो क्या हुआ, जो रात को जो 24 घंटे वर्कर काम कर रहे थे, 2 शिफ्ट में काम कर रहे थे, तो वो 1 शिफ्ट में काम करने लगे, तो डे डे के वर्कर रह गए और रात को पूरा माल बनने लगा। तो फिर क्या हुआ, अब माल हो गया डबल, क्योंकि डे में भी बन रहा है, रात में भी बन रहा है, और रात में जो बन रहा है वो डे वालों से डबल बनने जा रहा है, क्योंकि वो पिशाच बना रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ऐसे होता चला गया, मिल बढ़ती चली गई, उसके पास फिर क्या हुआ, उसके पास ऑर्डर आने लग गए, पता नहीं उसकी किस्मत चल पड़ी विशाल की वजह से, तो उसके पास ऑर्डर आने लगे, डबल ऑर्डर आने लगे। तो ऐसे करते करते एक मिल हुई, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे 6-7 मिल, 8 मिल हो गई अब तक, मतलब कि 10 मिल हो गई, ठीक है। फिर एक दिन सपने में आया पिशाच, एक दिन सपने में फिर पिशाच आया। ऐसा होता था कि रात को वो जाता था, रात को अपना वर्कर बंद करके जाते थे, और रात को उसको जब सुबह आता था तो माल बना मिलता था उसको, मतलब कि माल पूरा, चीनी पूरी बनी मिलती थी, ठीक है। तो एक दिन पिशाच फिर, जब उसकी 8-10 मिल होगी, एक दिन पिशाच फिर आया उसके सपने में, तो उसने पता उसको क्या बोला, देख तूने मेरी सेवा करी, मैं बहुत खुश, तेरा काम भी चल पड़ा, तेरी 8-10 मिल भी हो गई, लेकिन बात सुन, अगर तूने ये राज किसी को बताया कि मैं हूं जो तेरे पीछे, जो तेरा हाथ हूं मैं हूं, अगर तूने ये राज किसी को बताया, अपने को भी बताया, पराये को भी बताया, तो तू बर्बाद हो जाएगा, किसी को बताइयो मत। ऐसी बहुत साल 75-80 साल का मोदी जी हो गए हमारे, ठीक है, 75-80 साल के हो गए। तो फिर एक दिन मोदी जी बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, हार्ट अटैक आ गया, तो उनको आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर बच्चों ने पूछा कि भाई कि पापा ये बताओ कि पहले हम, मतलब कि फिर अब ऐसे ही एक दिन मोदी जी ने अपने बच्चों को बताया कि पहले मैं इतना बर्बाद था, मैं एकदम से ऐसे हो गया। तो ऐसा हुआ कि मोदी जी ना जाते जाते एक बात बोली उनको, एक बात कि यहाँ पे ना एक जगह है, ये हमारी मिल में ना, सबसे पहली मिल में एक जगह है, उस जगह को कभी तोड़ना मत, उसको कुछ करना मत, उसकी सेवा करना। तो लेकिन वो कहने लगे कि क्यों सेवा करना, बताओ ना क्यों सेवा ना करना। बच्चे जिद करने लगे, क्यों करना सेवा, मेरे को बताओ प्लीज सेवा क्यों करनी है। तो बच्चे सब जिद करने लगे, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम मेरे से पूछो मत, मैं तुम्हें अगर बता दूंगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो कहते हैं अरे तुम जा ही तो रहे हो, बता जाओ ना, नहीं तो फिर वो दिमाग में। तो उन्होंने वो राज बता दिया कि भाई एक दिन वो पिशाच मेरे सपने में आया था, उसने बोला था कि तू अपने वर्करों की तू 24 घंटे काम मत कर, 24 घंटे काम मत करा, 7 बजे छुट्टी कर दे, रात को मैं देख लूंगा तेरे को ऑर्डर वॉर्डर, मैं सब कुछ तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। और उसने, पिशाच ने बेड़ा पार कर दिया, उसने जैसी बताया वैसी 8 मिल में आग लग गई रात में, मतलब कि उसी टाइम जैसी उसने बताया ना, जैसी मोदी जी ने अपने बच्चों को बताया वैसे ही उसी टाइम आग लग गई, 8 मिल जल के राख, सारी मिल जल के राख हो गई, सारी A to Z सारी मिल जल के राख हो गई, खत्म, A to Z पूरा सत्यानाश पिट गया। देखा बेटे ऐसे ही होता है पिशाचों के साथ, ऐसे होता है, रियल स्टोरी। हाँ रियल स्टोरी, ये तो मैंने सुनी थी, मेरे ड्राइवर से सुनी थी, मैं जिनके साथ गया था। नहीं अरे पता है तुम्हें, उस मिल को कोई खरीदता भी नहीं है, मिल पूरी जल के राख हो गई है, कोई
खरीदता भी नहीं उसको, अंदर कोई जाता भी नहीं, उसको जाने का मन नहीं करता।